सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश अड्डा पर। यहाँ मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 105 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही। क्यों? क्योंकि ये भी आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले हैं। यस, इनको बोर्ड पर करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे पास। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताना है कि रेड वाले पोर्शन में क्या एरर है। अगर कोई एरर है तो उसे ठीक कीजिए, और अगर कोई एरर नहीं है तो सेंटेंस को नो करेक्शन रिक्वायर्ड कहकर छोड़ दीजिएगा। इस गाइस ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि यहाँ पर कोई एरर हो, एरर नहीं भी है वो ठीक है दिया हुआ सेंटेंस, उसके अलावा भी अगर कोई और सेंटेंस ठीक हो सकता है, यानी कि उसका कोई अल्टरनेटिव है, तो आप अल्टरनेटिव भी बता सकते हैं। यस, दोनों तरह से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 1 से। कह रहे हैं कि दे डिडंट पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन, आई डिड नाइदर। हालांकि पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी गाइस, डायरेक्ट मुझे अंडर वाला पार्ट यहाँ पे देखना था, क्योंकि अपना आप एक सेंटेंस है पूरा। कह रहे हैं कि आई डिड नाइदर, यहाँ मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जब भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड होगा तो नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरू में होगा, सबसे पहली बात, उसको एडवर्ब कहा जाता है। जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी या फिर नेगेटिव वर्ड होगा तो वो सबसे शुरू में रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपको आना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा नाइदर, क्या आएगा सबसे पहले आपका नाइदर, उसके बाद में आपका आना है डिड, उसके बाद आपका आना है आई, नाइदर डिड आई, नाइदर डिड आई। तो यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए फिलहाल मेरी राय में वो बैठ रहा है डी करेक्ट। क्या बैठ रहा है यहाँ पे? डी पूरी तरह से करेक्ट बैठ रहा है, सेंटेंस का डी पोर्शन यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एवरी पोएट गिव्स वॉइस टू हिज एंगर एंड हिज कंपेशन थ्रू हिज पोएम्स। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि एवरी पोएट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी आदि के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन तो आया, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब भी आई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एवरी पोएट गिव्स वॉइस टू हिज एंगर एंड हिज कंपेशन थ्रू हिज पोम्स। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में नहीं है कोई भी गड़बड़ी, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सब कुछ यहाँ होना चाहिए था वो सब कुछ यहाँ मौजूद है, सिंगुलर वर्ब भी है, वॉइस ठीक है यहाँ पे, वॉइस यहाँ टू आता है ये भी ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ई, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पुलिस नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेररिजिंग बिल्डर्स एंड एक्सोटेड मनी फ्रॉम देम फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। यहाँ पर अगर बात करें सेंटेंस में हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है आपका, उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है, और हैड बीन प्लस एनजी उसने लगाया, क्योंकि आगे सिंस या फोर प्लस टाइम आ रहा है। सिंस या फोर प्लस टाइम अगर हो तो सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है, यानी कि यहाँ पे हैड बीन प्लस एनजी लगाया गया इसीलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं फिलहाल मुझे इस प्रकार से। तो यहाँ पे फिलहाल हैड बीन प्लस एनजी लगाया इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटेंस आपको कनेक्ट हुआ है एंड से। किससे कनेक्ट हुआ सेंटेंस? एंड से। जब सेंटेंस हमारा एंड से कनेक्टेड होगा तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम, ये मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। एंड, बट और, ये 3 कंजक्शन ऐसी हैं, यदि इनसे सेंटेंस कनेक्टेड होगा तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। सेम से मतलब अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो उधर भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इधर सेकंड फॉर्म है तो उधर भी सेकंड फॉर्म रहेगी, इधर अगर आईएनजी है तो इधर भी आईएनजी रहेगी, इधर अगर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म रहेगी, यानी कि जैसा पिछली तरफ रहेगा ऐसे अगली तरफ भी रहेगा। यहाँ पर यही प्रॉब्लम सामने आई, एंड से पहले उसने टेररिजिंग दिया लेकिन एंड के बाद में एक्सटोर्ट दे दिया है, जो कि रॉन्ग, यहाँ पर एक्सटोर्टिंग होना चाहिए था तो सेंटेंस क्रिएट होता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर पिछले वाले को थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बना सकते? वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है,
सेंटेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस बनना ज़रूरी है। इसीलिए अगर यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम ना होता तो इसका कंटिन्यूस बनना कंपलसरी नहीं था, तो आप इनमें से फिर पहले वाले को भी चेंज कर सकते थे। हालांकि उस टाइम पे कंडीशन उस टाइम बताता मैं, फिलहाल यहाँ कंडीशन मैंने यहाँ बताई आपको। तो यहाँ पे एक्सट्रोट की जगह एक्सट्रोटिंग होना चाहिए फिलहाल मेरे राय में, जो कि पहला ऑप्शन है तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑप्शन में भी मुझे नहीं दिख रहा है ये चीज़, थर्ड ऑप्शन में दिखी, फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड एक्नॉलेजमेंट एट द अर्लीस्ट। प्लीज़ टेक डिलीवरी, यहाँ पर सेंटेंस में उसने बात की है प्लीज़ टेक डिलीवरी की। अब यहाँ पे गए अगर बात करूँ, प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड एक्नॉलेजमेंट एट द अर्लीस्ट। यहाँ पर जो अगर बात करूँ एंड से जुड़ने की, फिर से एंड से पहले उसने एक वर्ब दी है, यस, और एंड के बाद में उसने आपको दे दिया है एक्नॉलेजमेंट यानी कि नाउन, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिलहाल आपका हो जाएगा रॉन्ग। आपको एंड के बाद भी यहाँ पे कोई नाउन वर्ब ही लगानी पड़ेगी। एक्नॉलेजमेंट को देखिए, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी ऑफ नाउन के अंदर पेड कोर्स में, हमने जब नाउन पढ़ाया आपको तो उसमें मैंने आपको खूब अच्छे से बताया कि जिस वर्ड के आखिरी में आपका आएगा MENT वो डेफिनेटली आपका नाउन होगा। तो ये नाउन है, कन्फर्म है। हाँ, इस नाउन को वर्ब बनाना है, आपको MENT हटा देना है और ये वर्ब आपका तैयार है, बिल्कुल एक्नॉलेज आपका तैयार हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पिछले वाले पार्ट में वर्ब दी गई है एंड वर्ब से वर्ब को जोड़ने का यहाँ काम कर रहा है। सेंटेंस में एक्नॉलेजमेंट की जगह एक्नॉलेज होगा। इस गाइस ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो पहला जो फिट नहीं बैठेगा, दूसरा सही हो जाएगा एक्नॉलेज्ड एट द अर्लीस्ट, थर्ड में एक्नॉलेज यहाँ पे एट हटा दिया इसलिए बाहर, फोर्थ में अर्ली एक्नॉलेजमेंट ये भी हटा दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पे करेक्ट। सेंटेंस नंबर फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड अ कॉन्ट्रोवर्सी बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर बाय इग्नोरिंग हिज वार्निंग। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे उसी सेंटेंस में बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर बाय इग्नोरिंग हिज वार्निंग, दो बार बाय बाय लगा करके सेंटेंस को अपना आप ही डाउटफुल बना दिया है। मुझे नहीं लग रहा कि सेंटेंस ये ठीक है आपका। इस गाइस चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है कि द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड अ कॉन्ट्रोवर्सी बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर एंड इग्नोरिंग हिज वार्निंग, बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर एंड इग्नोरिंग हिज वार्निंग, ये कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बाय जो है नहीं फिट बैठे, क्योंकि बाय एक प्रपोजिशन है और यहाँ पे दो जीरेंड आपकी हैं चार्जिंग और इग्नोरिंग, इनको जोड़ने का काम करेगा आपका एंड। यहाँ पे बाय चार्जिंग एंड इग्नोरिंग ऐसा कह सकते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है, बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर एंड इग्नोरिंग पहले में है, अगले में भी लगा दे रिश्ते बाहर, बाय चार्जिंग सुपीरियर एंड जी नहीं ये भी बाहर हुआ रिश्ते, ये भी ख़त्म हुआ सेंटेंस का। पहला ही आंसर आपका हो जाएगा फिफ्थ का करेक्ट। हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवर सेल्फ विद एनी प्लेन फूड दैट गिव अस स्ट्रेंथ। अब यहाँ सेंटेंस में क्या गड़बड़ी हो सकती है पर उसको देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा चल रहा है नॉर्मल वे में है। चलो देखते हैं, हैड वी बीन सेंटेंस यहाँ पे पहले जो कंडीशनल वे बनाया गया अपना वही स्ट्रक्चर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव लगाया गया प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि इतना हिसाब का बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, हमें तो रेड पोर्शन से एरिए दिक्कत खाली। दैट के बाद उसने लगाया गिव, जबकि दैट से पहले खड़ा हुआ आपका फूड, फूड आपका है कनकाउंटेबल नाउन, यस, इसके बाद इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए थी। अब ये तो कन्फर्म है, कम से कम गिव नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब या सेंटेंस की स्थिति को देखते हुए, सेंटेंस पूरा पार्ट में चल रहा है, हद से ज़्यादा आप यहाँ पे गेव लगा सकते हैं बस, लेकिन गिव कम से कम किसी स्थिति में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें, यस। तो गिव किसी भी कंडीशन में यहाँ नहीं आना है, यहाँ पे आप गिव्स लगा सकते हैं ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, या गेव। आगे हालांकि ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ, दैट गेव अस स्ट्रेंथ, विच गेव अस स्ट्रेंथ, विच गिव स्ट्रेंथ टू अस। तो गाइस यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा प्रॉपर ऑप्शन बैठ सकता है यहाँ पे सही। हैड वी बीन अलोन वी वुड हैव कंटेंटेड आवर सेल्फ विद एनी प्लेन फूड दैट गिव अस स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ मेरी राय में सेंटेंस में आनी चाहिए सेकेंड फॉर्म ही, जो फिट बैठ रहा है परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ में,
तो यहाँ सेंटेंस का आंसर बैठना चाहिए मेरी राय में बी करेक्ट, लेकिन यहाँ बुक ने गड़बड़ी कर दी है, बुक वाला इसका आंसर ए बता रहा है और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से रॉन्ग है बुक यहाँ पर, यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका बैठेगा बी ही करेक्ट। ओके गाइस, तो सेंटेंस को मैं बी लगाता हुआ चलूँगा, लेकिन यहाँ पर बुक वाला ए कह रहा है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन दिस ईयर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन दिस ईयर। तो गाइस यहाँ पे एक बात तो मैं साफ बता दूँ आपको कि लुक फॉरवर्ड के साथ में हमेशा टू चलता है। क्या चलता है? हमेशा टू। ये लुक फॉरवर्ड एक idiom है, लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद करना या आशा करना। तो यहाँ पे इसका तो फोर नहीं टू चलेगा, सबसे पहली बात तो यही है, जो कि फर्स्ट में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, ये तीनों आपके रेस से बाहर। आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यानी कि सेवन्थ का ए आंसर हो जाएगा कन्फर्म। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव वी शुड चूज द वन विच इज वेबल एंड विच कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। चलो देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विच इज वेबल एंड विच कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। विच के बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, विच के बाद यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब, तो दोनों तरफ एंड के जुड़ा है। देखो सेम स्ट्रक्चर जैसा हमें चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ई करेक्ट। मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर सॉल्व प्रॉब्लम। बढ़िया, आगे तो गए यहाँ पे मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पर सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया नीड का, किसका? नीड का। साथ ही साथ यहाँ पे उसने एक वर्ब का इस्तेमाल कर दिया पहले से ही, हेल्प का भी, नीड टू हेल्प अदर सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पर सॉल्व की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी है सॉल्व। क्या ना है यहाँ पे? सॉल्व। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, वैसे तो सॉल्व भी बेटर है, टू सॉल्व कर सकते हैं हद से, लेकिन मेरे राय में वो भी रॉन्ग होगा। बस आप यहाँ पे सॉल्व ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें कि ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ सी का आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो नाइन्थ का होने वाला है आपका सी आंसर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। देयर इज फुल जस्टिफिकेशन टू क्लोज डाउन द यूनिट्स विच आर नेदर प्रॉफिटेबल। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, नेदर के साथ में नोर होना चाहिए था और नहीं, ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे। विच आर नेदर प्रॉफिटेबल नोर सर्विंग, सेंटेंस में आपका होगा यहाँ पे नोर करेक्ट। क्या हो जाएगा? नोर यहाँ पे करेक्ट। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल मेरी राय में पहले में नहीं है, दूसरा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो गया आपका बी कंफर्म। चलिए कोई बात नहीं, ये था आपका आज का सेट पेपर 105 पर मिरर बुक से, जो कि आपका सिडबी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम बैंक 2000 में आया हुआ था। कल फिर मिलते हैं गाइस ऐसे आपसे नए सेट के साथ में बोर्ड पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, क्योंकि इस तरह की शानदार वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी, इंग्लिश अड्डा पर। इसी चैनल ने इतना रिस्क उठाया कि MB किरण मिरर ये सब बुक्स कराई, और पेड कोर्स में हमने इससे भी ज़्यादा चीज़ें कराई हैं। पेड कोर्स में हमने 5-5 बुक्स से प्रैक्टिस कराई है बच्चों को, मिरर से, पैरामाउंट से, SP बक्सिस से, बहुत सारे बुक्स हमने, क्रिस्टोफर फोनिक्स से, परफेक्ट से, तो 5 बुक्स हमने वहाँ पेड कोर्स में कराई है। MBA बुक हमने कराई है बच्चों को पेड कोर्स में, जिसको जुड़ना है जुड़ सकता हो। फिलहाल हम लोग यूट्यूब पर जो देना वो भी पढ़ सकते हैं आप चाहे तो, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब आगे आगे और वीडियोस को पाने के लिए। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।